नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पीएम सम्मान निधि के बारे में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी ताकि किसानों को राहत दिया जा सके, उनके खेती में होने वाले खर्च के बोझ को कम किया जा सके। इस निधि के तहत लाखों किसानों को लाभ मिलता है। ऐसे में अब तक इस योजना में 7 बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। बता दें कि पिछले दिनों ही इस योजना के लाभ पाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया, जिसमें EKYC कराना जरूरी कर दिया गया था। हालांकि बाद में इसे रोक दिया गया था, लेकिन इस बदलाव से इस योजना के तहत लाभ पाने वाले लाभार्थियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम 10वीं किस्त की बात कर लें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी को 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त भेजी थी। अभी तक यह किस्त 10,54,87,474 किसानों तक भेजी जा चुकी है। पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए ताजा आंकड़ों की माने तो अब तक 12.44 करोड़ से अधिक किसान के परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं अब हम पीएम किसान सम्मान निधि के तहत क्या क्या बदलाव हो चुके हैं। तो इस योजना के तहत होने वाले जो सबसे पहले बदलाव हुआ उसमें किसानों को ही फायदा हुआ। वह बदलाव था कि आप रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं, जैसे आपके आवेदन की स्थिति क्या है, आपके बैंक अकाउंट में कितनी किस्त आ चुकी है आदि। अब पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार नंबर, मोबाइल या फिर बैंक खाता नंबर दर्ज कर स्टेटस की जानकारी ले सकता है। यह सरकार की तरफ से की गई अच्छी पहल मानी जा रही है। सरकार ने अब पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड किसानों के लिए EKYC आधार अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर पोर्टल पर कहा गया है कि आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण के लिए किसान कॉर्नर में EKYC विकल्प पर क्लिक करें और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम CSC केंद्र से संपर्क करें। वैसे आप इसे घर बैठे भी अपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की मदद से पूरा कर सकते हैं। अगला जो बदलाव किया गया था वह सरकार के ने किसानों के लिए लाभ दिया। इस योजना के तहत शुरुआत में तो न केवल किसानों को इसके पात्र माना गया जिनके पास कृषि योग्य खेती 2 हेक्टेयर या फिर 5 एकड़ थी। अब मोदी सरकार ने यह बाध्यता खत्म कर दी ताकि इसका लाभ 14.5 करोड़ किसानों को मिल सके। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा उठाने की सोच रहे हैं तो सबसे जरूरी है आपका आधार कार्ड। बिना आधार के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। सरकार ने लाभार्थियों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। अब ताज़ा बदलाव के कारण पीएम किसान पोर्टल पर आप मोबाइल नंबर से अपना स्टेटस नहीं देख सकते। अब आप केवल अपने आधार नंबर अथवा बैंक अकाउंट नंबर से ही अपना स्टेटस जान पाएंगे। इससे होता यह है कि आपके मोबाइल नंबर से आपका स्टेटस कोई भी चेक कर सकता था, जो कि नुकसानदेह था। इस योजना को लेकर सरकार ने एक और बड़ा बदलाव किया। आप रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं, जैसे आपके आवेदन की क्या स्थिति है, आपके बैंक अकाउंट में कितनी किस्त आ चुकी है आदि। अब पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार नंबर, मोबाइल या फिर बैंक खाता दर्ज कर स्टेटस की जानकारी ले सकता है। तो एक तरह से कहने की पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को तो लाभ मिलता ही है, साथ ही साथ सरकार इस बात का भी ध्यान देती है कि कैसे जो है हम किसानों को इसका लाभ पहुंचा सके और फर्जीवाड़े से बचा जा सके। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।